नाम प्रतिभा राज है, मैं पटना की निवासी हूँ। हम लोग कस्टम आर्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम लोग डिज़ाइन ग्रेजुएट्स हैं और बिहार के संस्कृति को, बिहार के जो कला है जैसे मधुबनी आर्ट और जो मंजूषा आर्ट और जो टिकुली आर्ट है, हम लोग उसको नए टेक्नोलॉजी में समाने का कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत पहले ही सोच रखा था कि ठीक है, अगर हम लोग बाहर से पढ़ाई भी करते हैं लेकिन हम लोगों को वापस तो अपने बिहार के लिए कुछ करना ही है। तो मैंने मैनेजमेंट भी कर रखा है, मैंने डिज़ाइनिंग भी कर रखा है, तो वो सारा हम लोगों ने उधर बाहर सीखा, बैंगलोर में काम करके, ये दिल्ली में काम करके वापस हम लोग इधर आए हैं और फिर इधर अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है जो जून में हम लोगों ने रजिस्टर करवाया है। ये बेसिकली फिजिकल आर्ट है जिसमें डिजिटल आर्ट को फिजिकल बनाया जाता है और नए नए चीज़ों से इनकॉर्पोरेट करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पजल्स हैं जो बच्चों के पजल्स होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने मधुबनी पेंटिंग को दर्शाने की कोशिश की है। और जैसे जो अभी फिलहाल जो सरकार कर रही है कि स्टेम एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, तो बच्चों के ब्रेन के एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है तो वो चीज़ करने की कोशिश करी है। ये मेला हम लोगों को, ये जो स्टॉल हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस है लाइव एग्जीबिशन का, हम लोगों को महिला होने के कारण ये अपॉर्चुनिटी मिली। जो टिकुली आर्टिस्ट जिनके साथ हम लोगों ने काम किया, जो मधुबनी आर्टिस्ट काम किया, हम लोगों ने भी फिर वही अपॉर्चुनिटी महिलाओं को देने की कोशिश करी। महिलाओं से ही वो सारे सामान हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, सारे सामान वहीं से बनवाया है, उन्हीं को ट्रेन किया। जितने भी एथनिक क्राफ्ट है उसको नए टेक्नोलॉजी के साथ नया कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स बना करके फिर उसको प्रमोट करना है, जिससे बिहार के मधुबनी को ही जैसे अभी जितनी लोकप्रियता मिल चुकी है, जितनी उसकी खूबसूरती है, उसको नए नए चीज़ों में डालना है ताकि लोग नए और भी उसके प्रोडक्ट का कैटेगरी बढ़ेगा तो मधुबनी की और भी सेल ज़्यादा होगी और भी उसकी महत्ता बढ़ेगी।